पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादयामि। सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाग व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे वृत्तिसारूप्यमित्रत्र उच्यतयः क्लिष्टा क्लिष्टः। ज्ञानानुपाते वस्तुशून्यो विकल्पः प्रत्ययालम्बना वृत्तिरिष्टः उत विषयसम्प्रमोषः स्मृतिः यास वैराग्याभ्यां तन्नियोगः ततः स्थितौ यत्नोऽभ्यासः निरन्तर्य सत्कारसेवितो दृढभूमिः सविकविषयवितृष्णस्य वशिकारसंज्ञा वैराग्यम्। विराम प्रत्याभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्य भवा प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयान श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि पूर्वक तीव्र संवेगानामासन्न यदो मध्यादि मात्रत्वात् ततोऽपि विशेष ईश्वर प्रणिधानादवा क्लेशकर्म विपाकाशैरपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। अन्तरायः दुःख दुर्मनस्याङ्गमयत्व श्वास प्रश्वासाभिक्षेप स भूत प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यास। तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः जो चित्त के विक्षेपक है व्याध्यादि है ना, और विक्षेप के साथ साथ होते हैं दुखादि है ना। जो चित्त के विक्षेपक है व्याध्यादि कितने हैं? नौ है।
तो इसका निरोध करना चाहिए, निरोध करना चाहिए अभ्यास वैराग्य से। ये व्याध्यादि जो चित्त के विक्षेपक है, इनमें से कितने वृत्ति है? नौ में से कितने वृत्ति है? दो क्या क्या है? संशय और क्या है? भ्रांति दर्शन। और कोई है? और कोई है बोलो। हाँ है, कोई कह रहा था तीन, तीन नहीं है, दो है। तो संशय और जो भ्रांति दर्शन है, ये दोनों एक है कि अलग अलग है? क्या दोनों मिथ्या ज्ञान है? दोनों क्या है? मिथ्या ज्ञान। ठीक है, मिथ्या ज्ञान किसको बोलते हैं? हाँ विपरीत ज्ञान है, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। ठीक है ना, ज्ञान हो और ज्ञान का विषय न हो, है ना। सर्प का ज्ञान हो रहा है, सर्प नहीं है रस्सी में, लेकिन संशय और जो विपरीत ज्ञान है भ्रम ज्ञान, दोनों में इतना अंतर है। भ्रम ज्ञान में एक कोटि का ज्ञान होता है, और संशय में उभय कोटि का, विरुद्ध नाना धर्म विशिष्ट वगैरह ज्ञानम संशय तर्क संग्रह माया एक धर्मेण। रज्जु में सर्पो नवा पर्वतो वन्यवान नवा, ठीक है ना, ये होता है। ये दोनों को देखने के लिए संशय उभय कोटि का ज्ञान होता है और भ्रांति दर्शन एक कोटि का ज्ञान होता है। इसको दिखाने के लिए अलग अलग कह दिया, संशय और भ्रांति दर्शन है तो दोनों एक ही वृत्ति है। कौन सी वृत्ति? विपर्य वृत्ति। ठीक है, लेकिन इसको दिखलाने का अभिप्राय यह है, व्याध्यादि हो तो चित्त वृत्ति होगी, व्याध्यादि ना हो तो चित्त की वृत्ति नहीं होगी। समझ में ना, पहले बीच में एक दे दिया संशय और भ्रांति दर्शन। ठीक है, अच्छा इसको दूर करने के लिए अभ्यास भी करना चाहिए। एक तो वैराग्य बोल दिया, दूसरा कह दिया अभ्यास। ठीक है, दोनों होना चाहिए कि नहीं? लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने हो तो अभ्यास चाहिए कि वैराग्य चाहिए? दोनों चाहिए ना, वैराग्य न हो तो कैसे पढ़ेगा वो? वैराग्य न हो तो लघु सिद्धांत कौमुदी भी नहीं पढ़ सकता। पढ़ने की क्या आवश्यकता है? लोग बोलेंगे कि नहीं, पढ़ने की क्या आवश्यकता है? कब तक पढ़ोगे, कब पूरा होगा? इससे अच्छा कि पाँच छः महीने में भागवत पढ़ लो। भागवत ही पढ़ते कहाँ, दस बीस लोग पढ़ लेते हैं। तो वैराग्य भी चाहिए और क्या चाहिए? अभ्यास भी चाहिए, अभ्यास के बिना नहीं होगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर भी वैराग्य भी होना चाहिए और अभ्यास भी होना चाहिए। अब कहते हैं अभ्यास किसका करना है, अभ्यास का विषय क्या है? तो कहते हैं तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है, विक्षेप को प्रतिषेध करने के लिए एक तत्व। एक तत्व से यहाँ पर वाचस्पति मिश्र ईश्वर को लिया, इष्ट। तो इष्ट जो परमात्मा ईश्वर है उसका चिंतन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। एक तत्व क्योंकि प्रकरण चल रहा है ईश्वर का, पहले से आया ना, ईश्वर प्रणिधानाद वा, वहीं से आया कि नहीं? तो प्रकरण ईश्वर चल रहा है, इसलिए यहाँ पर एक तत्व से ईश्वर को लेना चाहिए, ये वाचस्पति मिश्र का मत है। आगे देखो, आप एक चीज कहते हैं, भाष्य ले लेते, पहले भाष्य।
पहले सूत्र का अर्थ है भाष्य में लिखते हैं, विक्षेप प्रतिषेधार्थम एक तत्वालंबनम चित्तम अभ्यसेत। भाई अभ्यास तो चित्त से तो होगा, जो भी करना है चित्त से ही करना है, बंधन भी चित्त से होता है, मुक्ति भी चित्त से। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मुक्ष, बंधाय विषयासक्तम मुक्तय च निर्विषयम स्मृतम। चित्त है इसलिए कहते हैं चित्तम अभ्यसेत, चित्त का आलंबन एक होना चाहिए। एक तत्व आलंबनम, एक तत्व आलंबनम यस्य तत् एक तत्व आलंबनम, चित्त का विषय एक तत्व परमात्मा होना चाहिए। आलंबन का अर्थ विषय, ध्यान का विषय। अब कहते हैं भाई क्यों करना चाहिए अभ्यास, अभ्यास का प्रयोजन, प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते। तो प्रयोजन को बतला दिया, तत्प्रतिषेधात्म सूत्र में था, तत् शब्द से लेना है विक्षेप। विक्षेप कितने विक्षेप है वही बतलाया ना, कितने विक्षेप है नौ, कितने है नौ विक्षेप। विक्षेप तत् शब्द से लीजिए विक्षेप, विक्षिपति थी विक्षेप है ना, जो अपने ध्येय वस्तु से चित्त को अलग कर दे, इसका नाम होता है विक्षेप, ठीक है ना। विक्षेप प्रतिषेधार्थम एक तत्व आलंबनम चित्तम अभ्यसेत, अभ्यास करें। अभ्यसेत का अर्थ अभ्यास करें, विधान है यहाँ पर, विधि अर्थ में लिंग लकार होता है। अच्छा ये तो सूत्र का अर्थ हो गया, इसके ऊपर एक विचार है, थोड़ा विस्तृत विचार है। विस्तृत विचार ये है, जो वैनाशिक लोग होते हैं, वैनाशिक विनाशम इच्छन्ति ते वैनाशिका है ना। हाँ चार मत पहले बताया, योगाचार माध्यमिक सोत्रांतिक और वैभाषिक, मालूम है ना, बुद्धों के चार अनुयायी है। एक श्लोक लिखलाया था, लिखवाया था, याद है नहीं, योगाचार मतेद संति मतयस तासाम विवर्तो किल, नहीं आया, नहीं लिखे हैं आप लोग, नहीं लिखे हैं कि लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, लिखो, लिखिए भैया, याद करो या ना करो, लिखना तो जरूर है। मुख्यो माध्यमिको, मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलम, विवर्तमखिलम शून्यस्य, शून्यस्य मैंने जगत, मैंने एक ही पद है, मैंने जगत, शून्यस्य मैंने जगत मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलम, विवर्तमखिलम शून्यस्य मैंने जगत। नहीं समझ में आया, मैंने, मैं एकर, ने मैं एकर, मैंने जगत, एक लाइन हो गया। और दूसरा लाइन देखो, योगाचार मते तु, योगाचार मते तु संति, संति मतयस, मतयस तासाम, तासाम सामे अनुस्वार है, तासाम विवर्तो खिला, विवर्तो के बाद अवग्र, विवर्तो खिला,
अखिल, ल के बाद विसर्ग लिखा, द्वितीय लाइन छूट रहा है। दूसरा लाइन ठीक से देखो, योगाचार मते तु संति मतयस मतयस तासाम विवर्तो विवर्तो किला विवर्तो किला। दो लाइन हो गया। तीसरा लाइन लिखो, अर्थोस्ति अर्थोस्ति क्षणिकस क्षणिकस अर्थोस्ति, अर्थो के बाद अवग्रह, अर्थोस्ति क्षणिकस त्वसा त्वसा त्व त्व आधा तकार आगे व त्वसा दंत सकार त्वसा वनुमितो 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 हो गया। वनुमितो बुद्धेति बुद्धेति सौत्रांतिकः बुद्धेति सौत्रांतिकः सौत्रांतिकः हो गया। तीसरा लाइन फिर बोलो, अर्थोस्ति क्षणिकस्तसा वनुमितो बुद्धेति सौत्रांतिकः बुद्धेति सौत्रांतिकः। अंतिम लाइन लिखो चौथा, प्रत्यक्षम क्षणभंगुरम च प्रत्यक्षम क्षणभंगुरम च सकलम सकलम दंत सकार सकलम वैभाषिको भासते वैभाषिको भासते वैभाषिको भासते। नहीं लिख पा रही है, हो गया। चल लाइन एक बार फिर बोलता हूँ, आप लोग सुधार लीजिएगा। मैं पहला बोल रहा हूँ, आप रे बोलिएगा। मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलम् बोलो, मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलम् शून्यस्य मेने जगत् योगाचार मते तु संति मतयस् तासां विवर्तो खिलः अर्थोस्ति क्षणिकस्तसा वनुमितो अर्थोस्ति क्षणिकस्तसा वनुमितो बुद्धेति सौत्रान्तिकः प्रत्यक्षं क्षणभङ्गुरं च सकलम् प्रत्यक्षं क्षणभङ्गुरं च सकलम् वैभाषिको भासते। पूरा बलि शून्यस्य मेने जगत् चारमते तु सन्ति मतयस्
तासां विभक्तो खिलः तोस्ति क्षणिकस्तसावनमितो बुद्धेति श्रोत्रान्तिकः संक्षणभङ्गुरं च सकलं भाषिको भासते। ये देखो एक लाइन में एक सिद्धांत है, चार लाइन हुए, चार लाइन में बुद्धों के चार सिद्धांत आ गए, है ना। पहला होता है माध्यमिक, माध्यमिक है शून्यवाद, है ना। चार सिद्धांतों में मुख्य सिद्धांत माध्यमिक है, मुख्यो माध्यमिको, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं देख लो, हैं ये जगत जो है, हैं अखिलम जगत, श्लोक में देखो अखिलम जगत शून्यस्य विवर्तम, देशव अद्वैत वेदांत में सारा जगत ब्रह्म का विवर्त है, जैसे सर्प रस्सी का विवर्त है, इस प्रकार सारा जगत को शून्य का विवर्त मानते हैं वो लोग, शून्य का। ये होता है शून्यवाद, शून्यवाद उसको माध्यमिक कहते हैं, वो होते हैं मुख्य सिद्धांत, ठीक है। चार सिद्धांत में मुख्य सिद्धांत क्या है, माध्यमिक, शून्यवाद भी कहते हैं उसको, ठीक है। दूसरा होता है योगाचार, योगाचार दूसरे लाइन में योगाचार, योगाचार को कहते हैं क्षणिक विज्ञानवाद, क्षणिक विज्ञानवाद भी कहेंगे, क्षणिक विज्ञानवाद। वो लोग कहते हैं योगाचार मते तो शांति मतयस, मति का अर्थ विज्ञान, विज्ञान विज्ञान, मति का अर्थ विज्ञान। वो जो विज्ञान है घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान, इसे ज्ञान का ही सब कुछ विवर्त है। ये कहा देखो तासाम अखिलो अभिवर्तो खिला, सारा जगत जो है वो क्षणिक विज्ञान का विवर्त है, है ना। जैसे सपनों में लड्डू देखते हो, सपनों में लड्डू देखते कि नहीं, वो लड्डू कब तक है, जब तक लड्डू का ज्ञान है तब तक लड्डू है कि नहीं। इसका मतलब लड्डू लड्डू ज्ञान से भिन्न नहीं, लड्डू ज्ञान का ही विवर्त लड्डू है, ऐसा। इसलिए बाह्य विषय नहीं है ना, इसलिए क्षणिक विज्ञान का ही विवर्त है सारा जगत। ये हो गया माध्यमिक है, ये माध्यम बोले योगाचार क्षणिक विज्ञान। और तीसरा होता है श्रोत्रांतिक, श्रोत्रांतिक श्रोत्रांतिक विषय को मानता है, क्षणिक विज्ञानवादी विषय को नहीं मानता है, ज्ञान से अतिरिक्त विषय नहीं है। ये योगाचार का मत है, क्षणिक विज्ञानवाद का मत है, लेकिन श्रोत्रांतिक जो होता है विषय को मानता है। इसलिए कहते हैं देखो तीसरे लाइन में अर्थोस्ति, अर्थ मतलब विषय, श्लोक को ध्यान से देखो तब समझ में आएगा, अर्थ का अर्थ है विषय, घट है पट है मट है, ये हो गया विषय, विषय है अर्थोस्ति मतलब विषय है, ज्ञान भी है और विषय भी है, ठीक है। रोटी का ज्ञान भी है रोटी भी है, दोनों अलग अलग है। चढ़े विज्ञानवादी बोलते हैं कि रोटी का ज्ञान से रोटी भिन्न नहीं है, और श्रोत्रांतिक बोलते हैं नहीं भाई विषय है। अरे भाई विषय अलग अलग यदि नहीं होता है तो ज्ञान अलग अलग कैसे हो जाएगा, घट ज्ञान अलग है पट ज्ञान अलग है मट ज्ञान अलग है, इसका मतलब विषय भी अलग अलग है। भोजन करते हैं ना, भले ही मिलाकर खाते हो सब, महात्मा लोग से मिला देते कि नहीं कमंडल में, लेकिन सब तो अलग अलग है, पहले था तो अलग अलग है ना। लेकिन क्या है, विषय को मानने पर भी विषय का अनुमान करता हो, तो लिखा है तीसरे लाइन में है ना, अर्थोस्ति क्षणिकस्तु असौ अनुमितो, है देखो अनुमान करता, अनुमान अर्थ है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है वो, भाई ज्ञान अलग अलग हो रहा है इसलिए विषय होना चाहिए,
ना ज्ञान के भेद को लेकर के बाह्य विषय का अनुमान करता है, ये होता है सूत्रांति को। हो गया? अच्छा, बोलते कि अनुमान काय को करते भैया, प्रत्यक्ष न हो तो अनुमान कैसे करोगे? प्रत्यक्ष ही न हो पहले अनुमान कैसे करोगे? हैं, मानस में धूम को देखा है, बन्नी को देखा है, तब तो अनुमान करोगे ना, धूम को देख करके बनिया बन्नी का, है कि नहीं? इसलिए ये सब जो है विषय है। विषय कैसा है? प्रत्यक्ष है। चौथे लाइन में कहा, देखो चौथे लाइन में प्रत्यक्षम, ये विषय कैसा है? प्रत्यक्षम, लेकिन क्षणभंगुरम च, क्षणिक है, क्षणिक है, ज्ञान भी क्षणिक, विषय भी क्षणिक, लेकिन दोनों अलग अलग है। ये किसका मत है भैया? वैभाषिको। प्रत्यक्षम क्षणभंगुरम च सकलम वैभाषिको भाषते। हो गया? कितने सिद्धांत हुए? चार। ये बुद्धों के, बुद्ध अनुजाई के चार सिद्धांत है ये। इनमें जो क्षणिक विज्ञानवादी है, जिसका दूसरा नाम क्या है? योगाचार। योगाचार मतित शांति मतयस, है ना, तासाम विवर्तो केला। तो कहते हैं ये जो चित्त है, जो ज्ञान चित्त, चित्त बोलते चित्त तो क्षणिक है। चित्त क्या है? क्षणिक, ठीक है। हाँ, एक क्षण में ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसका कोई विषय नहीं है, ज्ञान से कोई अतिरिक्त विषय नहीं है। अब घट ज्ञान हो रहा है, देखो घट ज्ञान, पुस्तक को देख रहे हो, पुस्तक का ज्ञान हो रहा है, और द्वितीय क्षण में वो पुस्तक ज्ञान नहीं रहेगा, द्वितीय क्षण में पुस्तक का ज्ञान नहीं रहेगा, है ना। तो प्रथम क्षणी का ज्ञान भिन्न है, द्वितीय क्षणी का ज्ञान भिन्न है, तृतीय क्षणी का ज्ञान भिन्न, ये ज्ञान ये चित्त है, चित्त भी ज्ञान से भिन्न तो है ही नहीं, है बुद्धि में बैठाना पड़ेगा, ये बड़ा क्लिष्ट आ रहा है। बोलते हैं देखो चित्त एक हो और विषय बदलता रहे तब तो जा करके चित्त विक्षिप्त होगा। इतना समझ में आया? आपका चित्त एक है और विषय बदलता जा रहा है कि नहीं? विषय क्या है? बदलता जा रहा है तो चित्त विक्षिप्त हो जाएगा। विषय चित्त का विषय अनेक हो और चित्त एक हो तब तो जाकर के चित्त विक्षिप्त होगा। फिर विक्षिप्त चित्त के लिए क्या करेंगे? फिर समाधि अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे। लेकिन चित्त आपका यदि क्षणिक हो जाए, है कि नहीं, और चित्त का विषय यदि एक ही हो जाएगा, बुद्धि में बैठा हो आपका चित्त का विषय यदि एक हो तो आपका चित्त स्थिर होगा कि विक्षिप्त होगा? क्या होगा? स्थिर होगा ना, क्योंकि विषय एक ही है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान जो आपका चित्त है वो तो क्षणिक है, प्रथम क्षण में घट ज्ञान हो गया, ज्ञान भी खत्म और आपका विषय भी खत्म, और द्वितीय क्षण में वो दूसरा चित्त हो गया, है कि नहीं? तो अलग अलग क्षण में अलग अलग चित्त है और विषय एक हो रहा है ना, एक चित्त का विषय एक, प्रथम क्षण में चित्त हुआ ज्ञान, उसका विषय एक हुआ, घट ज्ञान हो गया, विचार करो। द्वितीय क्षण में पट ज्ञान हो रहा है, वो जो पट ज्ञान जो हो रहा है वो ज्ञान अलग है और पहले का ज्ञान अलग है, तो प्रत्येक चित्त का विषय एक हुआ कि अलग अलग हुआ, है कि नहीं? लेकिन एक एक है, क्या समय? अलग अलग होने पर भी चित्त का विषय एक ही हो रहा है। हाँ, घट चित्त का विषय घट, पट चित्त का विषय पट, चित्त अलग अलग होने पर भी प्रत्येक चित्त का विषय क्या हो रहा है? एक 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 हो रहा है। और चित्त कितना है? एक चित्त हुआ, है ना, तो एक चित्त, एक विषय का एक चित्त है, कि अनेक विषय का यदि एक चित्त हो जाए तो चौथे चित्त क्या होगा? विक्षिप्त हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन विषय का विषय एक हो और चित्त एक हो तो क्या विक्षिप्त होगा कि क्या होगा? स्थिर होगा, स्थिर होगा ना। तो आपका चित्त यदि स्थिर है
तो फिर जो है चित्त को, विक्षिप्त चित्त को उपदेश करना, अपने साधकों को उपदेश करना और अभ्यास करना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो गया। यही यहाँ पर कह रहे हैं, देख लो पंक्ति लगाओ है ठीक से। क्षणिक विज्ञानवादी का, यस्य तो जिसके मत में, किसके मत में भैया, क्षणिक विज्ञान के मत में, है ना, क्षणिक विज्ञान के मत में क्या हो रहा है बोल रहे हैं, देखो प्रत्यर्थम नियतम प्रत्यमात्रम क्षणिकम च चित्तम। ये देखो चित्त जो हो रहा है कैसे बोलते हैं, प्रत्यर्थम, प्रत्येक विषय का चित्त अलग अलग है, ठीक है। हाँ, जितने भी विषय हो रहा है, घट ज्ञान हो रहा है तो घट का जो ज्ञान है वो कितने है, एक हो गया, और पट ज्ञान हो जाएगा तो वो दूसरा हो गया, समझ में ना। अच्छा, और नियतम, नियत रूप से होता है, अच्छा। और कहते हैं जो चित्त आपका प्रत्यय मात्रम, चित्त भी ज्ञान से अतिरिक्त नहीं, ध्यान में रखो, ठीक है। विषय जो घट है वो भी ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है ना, और जो आपका जो मन जो अंतकरण चित्त वो भी ज्ञान से अतिरिक्त नहीं, ये कह रहे। देखो प्रत्यय मात्रम, प्रत्यय मात्रम कौन, चित्त, क्योंकि ज्ञान का ही सब कुछ विवर्त मानते हैं। अच्छा, ये नियत कह दिया, नियत, नियत कहने से क्या हुआ, देखो कहते हैं जब तक विषय का ज्ञान हो रहा है तब तक ज्ञान है बस, हाँ, घट ज्ञान भास रहा है, हाँ, तो प्रथम क्षण में घट ज्ञान हो रहा है, द्वितीय क्षण में खत्म, द्वितीय क्षण दूसरा होता है चित्त, इसलिए नियतम कह दिया। इसलिए प्रत्येक चित्त अपने विषय को ही विषय करेगा, दूसरे विषय को विषय नहीं करता है, दूसरे विषय को जो विषय करता है वो चित्त भिन्न हो जाता है, एक चित्त नहीं होता है, बदलता रहता है। वो लोग दृष्टांत देते हैं क्षणिक विज्ञानवादी, वो लोग कहते हैं देखो जैसे आपने दवाई खाई, कल आपने कोई दवाई खाया, पारासीटामोल खा लिए, ठीक है ना, अच्छा बुखार भी चला गया, और कुछ दिन के बाद फिर बुखार आया, डॉक्टर के पास गए और पारासीटामोल लिख दिया, आप क्या बोलते, अरे वही दवाई है, तो वही दवाई है क्या, हाँ फिर भी तो बोलते हो कि वही दवाई, वही दवाई नहीं है वो, पहले जो जिस दवाई को आपने खाई थी उसके सदृश दवाई है, लेकिन वो दवाई नहीं, ऐसा मानते हैं। दूसरा दृष्टांत देते हैं, सेयम दीपकलिका, पूर्व क्षण में जो दीपक में शिखा उठ रही थे वही शिखा अभी है, मतलब बदलती रहती है, बोलते हैं अरे उसी तरह जल रहा है ना, वही शिखा जल रही है, तो वही शिखा है क्या। तीसरा दृष्टांत है गंगा जी का जल, अरे भाई यहीं तो कल जो स्नान किए थे ना, इसी जल में स्नान किए, उसी प्रकार भले ही जल हो लेकिन वही जल तो नहीं। इसी प्रकार से बोलते हैं प्रथम क्षण में जो चित्त था वो चित्त अभी नहीं है, बदल जाता है, ऐसा बोलते हैं लोग, ठीक है। क्षणिकम चित्तम, बड़ा विलक्षण सिद्धांत है, बुद्धि में बैठता नहीं जल्दी लेकिन उसके सिद्धांत पढ़ोगे बोलते यही सही, ठीक बोल रहे हैं सब, ये सिद्धांत ठीक है, हैं। क्षणिकम तब चित्तम, चित्त तो क्षणिक होता है, क्षणिकत्व तो क्या है, प्रथम क्षण में उत्पन्न हो गया, द्वितीय क्षण में नहीं रहेगा, बस यही है क्षणिकत्व, है ना। द्वितीय क्षण ध्वंस वृत्ति, द्वितीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगितम, यही है, प्रथम क्षण में उत्पन्न हो गया, द्वितीय क्षण में क्या नष्ट, द्वितीय क्षण में नहीं रहेगा, द्वितीय क्षण में दूसरा चित्त हो जाएगा,
वो चित्त नहीं है ऐसा मानते हैं, यही क्षणिकत्व है। और नई एगो का क्षणिकत्व क्या है मालूम है? तृतीय वृत्ति, तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्व, ठीक है। हाँ, जैसे आपको ज्ञान हुआ ये घट है, ये ज्ञान हुआ, प्रथम क्षण में उत्पन्न हुआ, द्वितीय क्षण में रहेगा और तृतीय क्षण में नष्ट हो जाएगा, ऐसा मानते हो लोग, ठीक है। इसलिए ज्ञान क्षणिक है उनका मानते हैं, नयक लोग भी ज्ञान को क्षणिक मानते हैं, उसकी धारा चलती है अलग अलग ज्ञान, ठीक है। अच्छा, लेकिन मन एक ही है ना? आपके नयक लोग क्या मानते हैं? ज्ञान अलग अलग होने पर भी जिसमें हैं, जिसके निमित्त से आत्मा में ज्ञान हो रहा है, मन है वो मन एक ही है। अरे मन में ज्ञान नहीं मानते वो लोग, आत्मा में मानते, बस इतना अंतर है। अरे ये लोग जो मानते हैं भाई, कहाँ ये जो आपके योग घट ज्ञान पट ज्ञान जो होता है ये मन में होता है, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है, ठीक है। चलो, तस्य सर्वमेव चित्तम एकाग्रम है, देखो इसलिए क्या हो गया, देखो सभी चित्त का विषय तो अलग अलग एक ही हो रहा है, पूर्व क्षणी का चित्त का विषय पूर्व क्षणी का विषय है, उत्तर क्षणी का चित्त का विषय उत्तर क्षणी का, इसलिए चित्त का विषय एक ही के अलग है। प्रत्येक चित्त का विषय एक एक हो रहा है कि अलग अलग हो रहा है? अरे भाई अलग अलग हो रहा है लेकिन एक एक हो रहा है, क्या समय है? प्रत्येक चित्त का विषय एक एक हो रहा है, अनेक नहीं हो रहा है, हाँ ये ध्यान में रखो। हाँ, आपके योग के अनुसार चित्त तो एक ही है, कब तक तो एक रहेगा? जब तक तो मुक्त नहीं होते तब तक तो चित्त रहेगा आपका, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं मानते हैं। पूर्व क्षण का जो चित्त था उसका विषय पूर्व क्षण में था, उत्तर क्षण में दूसरा चित्त आ गया और इसका विषय दूसरा हो गया, है कि नहीं? इसलिए प्रत्येक चित्त चित्त अलग अलग है और चित्त का विषय भी एक एक ही है, ये चित्त विक्षिप्त नहीं होगा, ये बोल रहे। देखो, तस्य सर्वमेव चित्तम एकाग्रम, उसका विषय तो एक ही हो रहा है इसलिए एकाग्र हो जाएगा। नास्ति एव विक्षिप्तम, चित्त तो विक्षिप्त नहीं है। क्यों विक्षिप्त नहीं हुआ भैया? चित्त एक ही हो और उस चित्त के विषय बहुत हो जाए, है कि नहीं भाई? कामना हो और चित्त के विषय बहुत हो जाए तब तो जाकर चित्त विक्षिप्त होगा ना, ये बोलता है। इसलिए क्या हो गया? नास्ति एव विक्षिप्तम, कौन? चित्तम, चित्त तो विक्षिप्त नहीं है। अच्छा, आया कौन? नहीं 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 नहीं, ये सिद्धांती बोल रहा है, सिद्धांती बोल रहा है। हाँ, सिद्धांती योग, योग सिद्धांती बोल रहा है क्षणिक विज्ञानवादी से। हमारा सिद्धांत तुम्हारी तरह नहीं है, हाँ इसलिए हमारे भोले भट के शिष्यों को तुम भ्रमित कराते हो, ये कहने का अभिप्राय हुआ ना? हमारे जो भोले भट के जो सरल साधक है उनको तुम भ्रमित कराते हो, क्योंकि हमारा सिद्धांत ऐसा नहीं है। तुम जो मानते हो हैं, तुम्हारा सिद्धांत नहीं बन सकता है, इसलिए नहीं बन सकता है, हैं? तुम्हारा चित्त तो विक्षिप्त होगा ही नहीं, हैं? प्रत्येक क्षण में चित्त अलग अलग है और चित्त का विषय तो एक ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चित्त एक हो और विषय अनेक हो ऐसा तो नहीं है। चित्त तुम्हारा जो विक्षिप्त है ही नहीं, फिर उपदेश क्यों करते हो? चित्त का समाधान करो उपदेश करते हो ना, है कि नहीं? और उपदेश करना व्यर्थ हो गया, अब प्रयास करना भी क्या हो गया, व्यर्थ हो गया कि नहीं? और जो प्रयास करता है वो क्या है? वो भ्रांत पुरुष, बेवकूफ है वो। ये मानना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं। तो बोलते हैं भाई तुम्हारा चित्त कैसे समाहित होगा, तो सुनो फिर बताते हैं। सिद्धांत बोल रहा है, यदि पुनर इदम
सर्वतः प्रत्यहृत्य एकस्मिन् अर्थे समाधियते तदा भवति एकाग्रम इति। है देखो, है कि नहीं, चित्त एक ही हो और चित्त का विषय बहुत हो रहा है, चित्त का विषय बहुत हो रहा है तो क्या करना चाहिए? फिर बोलते हैं सबको हटा करके, सारे विषयों से चित्त को हटा करके वैराग्य के द्वारा फिर एकस्मिन् अर्थे समाधियते। यदि अन्य देखो, यदि एक ही विषय में जो तुम्हारा अनुकूल विषय है, परमात्मा है, जो कोई भी इष्ट हो, उस एक तत्व है विषय, उसमें यदि चित्त को लगाया जाए तो चित्त क्या हो जाएगा? एकाग्र हो जाएगा। क्यों? चित्त का विषय एक हो गया ना, है कि नहीं? भवति एकाग्रम, चित्त एकाग्र हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। अतो न प्रत्यर्थम नियतम, इसलिए तुम्हारा जो सिद्धांत कहते हो प्रत्येक क्षण में अलग अलग चित्त है और अलग अलग विषय है, ऐसा नहीं बनेगा। अतो न प्रत्यर्थ नियतम, ठीक है। मतलब क्या तात्पर्य हो गया? हाँ, चित्त अन्य को विषय नहीं करेगा, बस एक विषय को ही चित्त विषय करता है। द्वितीय क्षण में नष्ट हो गया ना, द्वितीय क्षण में दूसरा चित्त हो गया, ये तुम्हारा जो सिद्धांत है ये सिद्धांत बनेगा नहीं। अच्छा, अब देखो वो भी कमजोर नहीं है, क्षणिक विज्ञानवादी, उनका भी जबरदस्त सिद्धांत है। देखो लिखता है भैया, योपि सदृश प्रत्यय प्रवाहेण चित्तम एकाग्रम मन्यते। है देखो, अरे चित्त हमारे अनुसार भी एकाग्र हो जाएगा, हमारे अनुसार भी एकाग्र हो सकता है। कैसे एकाग्र हो जाएगा? देखो बोलते हैं सदृश प्रत्यय प्रवाहेण, प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान, चित्त उसका प्रवाह चलता है कि नहीं? अरे भाई चित्त अलग अलग होने पर भी उसका प्रवाह तो चल सकता है ना, समझ में ना? तो जल एक ही थोड़ी है ना, जल तो अलग अलग बहता रहता है, उसका प्रवाह चल रहा है, प्रवाह। जैसे मान लो बीज और क्या है, अंकुर, वृक्ष, एक ही एक ही अलग अलग है, अलग अलग। बीज से अंकुर हो गया, अंकुर से फिर बीज हो गया, चलता रहता है, है कि नहीं? फिर क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक ही बीज एक ही वृक्ष है, अनेक बीज है अनेक वृक्ष है, आया समझ में कि नहीं? जैसे शब्द, तार्किक लोग बोलते हैं ना, शब्द शब्द का प्रवाह चलता रहता है, बीच तरंग न्याय बोलते हैं ना। हाँ, जो नागरा बजाते ना, नागरा है, नागरा जो बजता है तो शब्द कहाँ पर उत्पन्न होता है? आकाश में, भेड़िया बच्चन आकाश में। ये तार्किक लोग, तार्किक के अनुसार बोल रहा हूँ, हम लोग तो वेदांत है, हमारे अनुसार शब्द सभी में रहता है, पृथ्वी में भी रहेगा, जल में भी रहेगा, तेज में भी रहेगा, वायु में भी रहेगा और आकाश में तो रहता ही है। लेकिन तार्किक लोग बोलते नहीं, आकाश में उत्पन्न होता है, चलो उनके अनुसार मान लो। तो भेरी अवचिन्न आकाश में शब्द उत्पन्न हो गया, तो पहले एक शब्द उत्पन्न होगा तो बहुत शब्द उत्पन्न होगा? एक ही शब्द उत्पन्न होगा, और वही शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करेगा। ऐसे एक तरंग दूसरे तरंग को उत्पन्न करता है, इसको बीच तरंग कहते हैं ना। जल में ऐसे पानी, पत्थर मार दिया ना, जल में पत्थर मार दिया तो एक तरंग पहले होता है, एक तरंग दूसरे तरंग को, दूसरे तीसरे को। इस जगह शब्द से भी ऐसे ही होता है, ठीक है? शब्द पूर्व शब्द उत्तर शब्द को उत्पन्न करेगा, है ना? इसी प्रकार पूर्व पूर्व शब्द उत्तर उत्तर शब्द के प्रति क्या होता है? कारण होता है, ठीक है? वो शब्द जब आपके इधर आएगा, करना विवरवर्ती आकाश है, दोनों में समवाय संबंध होगा उत्तर के अनुसार, तब जाकर शब्द उत्पन्न होता है, तो प्रवाह चल रहा है ना, हाँ ऐसा। इसी प्रकार कहते हैं देखो, विषय यदि अलग अलग हो जाए तब तो क्या है, चित्त विक्षिप्त हो जाएगा, एकाग्र नहीं होगा।
लेकिन सदृश प्रत्यय का ये प्रवाह चलेगा। सदृश प्रत्यय का प्रवाह क्या है, बस विष्णु का ध्यान कर रहे हो आप बीच में और किसी का ध्यान ना हो, चित्त एकाग्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया। भले चित्त अलग अलग है, प्रत्येक क्षण में अलग 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 चित्त हो रहा है, भले ही विषय भी चित्त से भिन्न नहीं है वो भी विवर्त है, कल्पित है, ऐसा मानते हैं ना, उनके अनुसार सब कल्पित है, चाहे विष्णु हो कृष्ण हो कोई भी हो, ज्ञान से अतिरिक्त नहीं नहीं मानते हैं। लेकिन आप लोग मानते हो वेदांती में, मानते हैं क्या? वेदांत में नहीं मानते हैं, लेकिन व्यवहारिक मानते हैं, पारमार्थिक नहीं मानते, मानते हैं लेकिन व्यवहारिक, पारमार्थिक नहीं माना जाता है वृंदावन में, लेकिन नहीं बोलना ऐसे, वृंदावन बोलोगे हमारे कृष्णा को भी व्यवहारिक बोल दिया, पारमार्थिक नहीं बोल दिया तो बिगड़ जाएंगे, यहाँ तो चलेगा हरिद्वार में, है कि नहीं? चलो, क्योंकि लिखे हैं भी यहाँ पर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है ना। चलो, तो क्या हो गया, सदृश प्रत्यय, सदृश प्रत्यय हो गया ना, हाँ, जितने भी 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा करता केवल विष्णुकार, विष्णु को विषय करने वाला चित्त का प्रवाह चलेगा तो चित्त एकाग्र हो जाएगा, है ना। तो विजातीय प्रवाह यदि चले तो चित्त विक्षिप्त हो जाएगा, लेकिन सजातीय चित्त का प्रत्यय का यदि प्रवाह चले तो चित्त क्या हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, ऐसा मानते हैं वो लोग। प्रवाह जो होता है दो प्रकार मानते हैं, एक आलय विज्ञान होता है, एक प्रवृत्ति विज्ञान होता है। इसमें टिप्पणी में दिया है आपकी पुस्तक में, पता नहीं, तस्यात् आलय विज्ञानम यत भवेत अहम आस्पदम, नहीं दिया है क्या? ये क्षणिक विज्ञान का सिद्धांत है, देखो लिख लो जल्दी फटाफट। तत्स्यात् आलय विज्ञानम, तत्स्यात् आलय विज्ञानम, आलय विज्ञानम यद भवेत, यद भवेत अहम आस्पदम, अहम आस्पदम। उत्तरार्ध, तत्स्यात् प्रवृत्ति विज्ञानम, तस्यात् प्रवृत्ति विज्ञानम यत नीलादिकम, नीलादिकम उल्लिखेत, उल्लिखेत दो लकार, उल्लिखेत लिखा, फिर बोल दो, तस्यात् आलय विज्ञानम यद भवेत अहम आस्पदम, आगे तस्यात् प्रवृत्ति विज्ञानम यत नीलादिकम उल्लिखेत, नीलादिकम उल्लिखेत, नीलादिकम उल्लिखेत दो लकर है भाई, उल्लिखेत उत उपसर्ग है ना, तो कुल्ला कर लो, आगे लिखेत तकार, श्लोक है देखो मैं पढ़ता हूँ, तस्यातालय विज्ञानम यद भवेत अहमास्पदम, तस्यात् प्रवृत्ति विज्ञानम यद नीलादिकमुल्लिखेत। देखो दो प्रकार विज्ञान मानते हैं, एक आलय विज्ञान, एक प्रवृत्ति विज्ञान। आलय विज्ञान बोलते हैं अहम अहम के रूप से जो ज्ञान हो रहा है, अहम अहम मैं करके ज्ञान हो रहा है ना, इसको बोलते हैं आलय विज्ञान, ठीक है। और एक होता है प्रवृत्ति विज्ञान, नीलादिकम नील पील घट पट ये जो ज्ञान हो रहा है इसको बोलते हैं प्रवृत्ति विज्ञान। दो प्रकार का विज्ञान हो गया, ये क्या है आलय विज्ञान और एक प्रवृत्ति, अहम के रूप से जो ज्ञान हो रहा है इसको क्या बोलेंगे आलय विज्ञान, घट पटादी के रूप से जो ज्ञान हो रहा है इसको
प्रवर्ते विज्ञान, चाहे कोई भी विज्ञान के धारा प्रवाह एकाकार हो जाए तो चित्त एकाग्र हो जाएगा, उनके अनुसार इसका आगे निराकरण हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बाल सूत्र भाष्य कृतो ईश्वरो गुरुवात्मने मूर्तिभेदाभिभावि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा।